गुड मॉर्निंग गायज. अबे सकाळी सकाळी हांवें येयला नुस्तें घेवपाक. आमचो नुस्तेकार आसा डेलीचो. बांगडे घेतलाय थंय. बांगड्याची स्पेशल रेसिपी दाखयतले. बांगडा करी हांवें का सद्दां कंजूस कंजूस म्हणटा. पूण कंजूस ना बरो दिता म्हाका. माणक्यो बीन हाडला पळय. किती किती हाडला दाखय पळय. खूप टायपचे नुस्तें हाडटा. ताल्ले ताल्ले सुंगटा एकदा एक रेसिपी करता. वेल्ल्यो बी आसल्यो वेल्ल्यो ना दिता दिता. मोडशेची पोसता येतो हातीन दर पोस. मोडशेची मोडशेची पळयलेलो पळय. कसे रे स्क्वीट्स कितले घालतात. ओके ना दिता पूण हांव बरं दिता. हय तू किती घेता. यो बरं हा हाडला मरे कोण कोण आहे भीतर. चल एक धर उंदराचे चिकन करी आज धर धरून आज चल चल चल. ए बेशे नाचनाका यो पै. तुझे फेवरेट घेतला. ए बोय किदे रे ते बांगडे बरे भाजून दे म्हणटा. हा कच्चा खायना. दर पया थंय फुडें धरून आस. चल भाजूंक दिना न्हू. आमकां भाजूंक जाय. चल या घरा. ए घरा या रे बेगीन भाजून दी आमकां नुस्तें. चल नाका तूं भाजून दी रे. कच्चे नाका आमकां. चलो 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 चलो. शंबरांक स दिला म्हाका. बरें दिला. आनी मुकुजा आमचे फेवरेट. मुकूक फ्राय करून दितले. नाचता पळय ते बेश्टे. आज आजीन हांव बरें अशी बांगड्याची कडी करतले. गोवन स्टायल तिफळां बिफळां घालून. यो तर यो या आमी भितर. चल भाजून खाव. या आमी मेकूक नाका दिवया. यो यो बेगीन मेकूक नाका. कसं येयला पळय. चुकक 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 करून आमचं भीतर पहिलीच पावला पळय. आपण पहिली प्रोसेस आहे. पहिली क्लीन करपा जाय. हेची कडी करतलो आयज हांव. स्पेशल ऑथेंटिक गोवन बांगडा कडी. सो हेज्या पहिली हांव ताका क्लीन करता. बरें दिला म्हाका हेणे. एक्च्युली हेणे म्हाका बरें मोठे आसा बांगडे. सो हेणे म्हाका सो दिला. एक हांवें ऑलरेडी कट केलो. की म्हाजे मिकूक दिवपाक जाय आसले तेजे. इसका जो सर है ना ये कुर्बान हो गया मिकू के लिए. पर कुछ फायदा नहीं हुआ उसको. पहले कट करके मैंने दिया था. उसने तो खाया नहीं क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल खाती नहीं. मैंने ऐसे उसको स्मेल आ रहा था. वो ये कर रही थी मामा. इसने ऐसे कट करके दिया था पर खाया नहीं. उसको फ्राई करके चाहिए. हमारे वो VIP है एकदम. और मिकू को ना ये मिडिल वाला पार्ट चाहिए. उसको ऐसा सर दिया तो खाएगी. वो नहीं खाती. नाम क्या है इसका. मिकू VIP हो. VIP मिकू. चलो तो अभी इसका क्लीनिंग प्रोसेस दिखा. ये देखो इसका फर्स्ट मैं यहाँ कट करती हूँ. साइड का विंग्स भी कट किया. यहाँ का भी पहले निकालती हूँ. ये देखो ऐसे कर इसको निकाला तो ये जो पूरा उसका अंदर जो ये रहता है वो पूरा निकलना चाहिए. ओके इसको पहले ऐसे कट करेंगे. इसका मैं ना तीन पार्ट करूँगी. ये देखो आराम से पहले इसको मार्क करके ले लो. हाँ बाद में अच्छा रहेगा ना. नहीं तो ये डायरेक्टली नाइफ से कर सॉरी सीजर से कट किया ना तो फिर वो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा. हाँ ऐसे मैंने कट ये किया है. ये टेक्निक मैंने सिखाया तुझे. हाँ 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 तो ही सिखाया. देखो ये देखो ऐसे होता है. ये देखो कैसे तीन पार्ट हुआ. एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ के लोग सब मोस्टली सब लोग क्या करते हैं. ये इसका तीन पार्ट क्या. ये वाला पार्ट और ये वाला हम लोग करी में डालते हैं. करी जब बनाते हैं तो ये फर्स्ट वाला मुंडी का जो पार्ट और लास्ट टेल्स का पार्ट. और ये जो मिडल वाला पार्ट रहता है ना ये फ्राई करने को अच्छा रहता है. रवा फ्राई
तो आज आपको हम लोग दिखाएंगे कड़ी, इसलिए सारे ऐड करेंगे। चलो वन बाय वन सारे सरिता क्लीन करती हूँ। पहले मैकरेल बोन स्टाइल करी, और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसने जो प्रिपरेशन रखा है साइड बाय साइड आपको दिखाया था। ये सारे जो इसने मसाला निकाला है उसको सारे ग्राइंड करना। आज बन रहा है ना ये मिट्टी के बर्तन में ऑथेंटिक गोवन फिश करी आपको दिखेगा मैकरेल वाला। तो फिर बांगड़ा करी करने के लिए मेरे पूरा इंग्रेडिएंट यहाँ निकाल के रखा है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मेरे हाथ में, इसे ना तिलफड़ा बोलते हैं, कोकणी में तिलफड़ा बोलते हैं इसको। ये जो जंगल में रहता है, जंगल में मिलता है ये, और नॉर्मल आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिलता है। तो ये मुझे कजन ने दिया है, और इसका जो आप करी में डालोगे ना उसका टेस्ट कुछ अजब आता है। ये मेरे ख्याल से बांगड़ा के कड़ी में डालते जाते हैं, ये ना बांगड़ा के कड़ी में डालते हैं, और एक ये ताल्ले बोलते हैं उसको, सालते उसमें भी यूज करते हैं। तो फिर ये जो मेन रहता है तो इसको मैं साइड में निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ लेके रखा है करी के, और दो मिर्ची भी रखा है, ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी बॉयल करके। और यहाँ पे देखो मैंने हाफ कोकोनट लिया, इसका हाफ मैंने ग्रेट करके ऑलरेडी रखा है, ये मैं जस्ट दिखाने के लिए रखा था, हाफ इसका मैं करी करूँगी। और ये मिट्टी का बर्तन, इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है करी के लिए। और यहाँ पे देखो मैं इसको पूरा रखा है, इसका मैं ग्राइंड करूँगी। ये कोकोनट हाफ दिया था, इमली, रेड चिली, सूखा कोथम्बीर और हल्दी पाउडर, और यहाँ मैकरेल मैंने क्लीन करके रखा है दो के भी, उसको मैं जस्ट सॉल्ट लगा के रखती हूँ थोड़ा टाइम के लिए, तब तक मैं ये ग्रीन ग्रीन मेरा ग्राइंड करती हूँ। इसको पहले मैं नमक लगा के रखती हूँ। इसमें क्या क्या जाएगा अभी? क्या इसमें कुछ नहीं, सिर्फ धो के रखा है, इसको नमक लगा के रखना पड़ेगा। हल्दी पाउडर नहीं डालो इसमें? नहीं नहीं, करी के लिए पूरा इसको मैं ग्राइंड करके रखूंगी ना, ये जो निकाला है ना मैंने हल्दी पाउडर इसमें ही है। अच्छा, मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। इसको मैं पहले मसाला ग्राइंड करती हूँ, कोकोनट का जो भी निकाला है ना प्लेट में वो सब ग्राइंड करना है। लास्ट में ना उसमें दो कोकम यूज करूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा लिया है। ओके, कोकम, अरे कोकम भी दिखा ना, तो दिखा ना अभी, दिखा इंग्रेडिएंट दिखा रहा था, अभी दिखा ना, डाल रहा है तब ना पता चलेगा। ओके ओके, जो डालेगा अभी दिखाना चाहिए। इसमें ना ये भी गोवन स्पेशल है, ये हर जगह थोड़ी मिलता है, कोकम है। हाँ, इसका ना ये मिलता है, सिरप मिलता है, कोकम सिरप अपने ज्यादा करके ना, आप अगर ओल्ड गोवा जाओगे, ओल्ड गोवा जाओगे ना, मुझे हर जगह में मिलता है, पर ओल्ड गोवा का मुझे याद इसलिए रहा, हम लोगों ने पिया था। ओल्ड गोवा में अब जब जाओगे ना उधर कोकम शरबत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, इसका स्पेशल बनता है। तो ये कड़ी में भी डालते हैं, ये थोड़ा खट्टा होता है ना, और इसको यूज करते हैं इसमें भी, सोल कड़ी में भी सब में आता है, सोल कड़ी में यूज होता है और हम कड़ी में। ओके, अभी इसको ग्राइंड किया जाएगा, चलो करो। तो इसका मेजरमेंट आई होप आप लोगों को पता चल गया रहेगा, अभी करो ग्राइंड, और उसके बाद जैसे ग्राइंड होगा ना आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, बने रहो। अच्छा मुझे एक बोल, वीडियो में मुझे बीच बीच में क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे ठीक से हिंदी नहीं आता है। और इम्प्रूव हो जाएगा, फिर भी काफ़ी अच्छा है, हिंदी बोलती है फिर भी इसको, कभी कभी वो बीच बीच में ना ये हो जाती है, क्या स्टक हो जाती है, फिर इसलिए मैं मुझे बीच बीच में आना पड़ता है। स्लो 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 हो जाएगा, जैसे जैसे तू करता रहेगा ना वीडियो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं भी रहूँगा रेसिपी के वीडियो में, मेरा भी हाथ है, लेफ्ट हैंड है खाने के लिए। कैमरा होल्ड किया है ना, शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये रेसिपी में मेरा भी हाथ है। धुळून घेता, धुळून म्हणजे किती म्हणतात त्याला हिंदी, कुटते है, कुटना है थोडा इसको, हिंदी में उसको कुटते है थोडा, इसको प्रेस करके कुटना है थोड़ा, ज्यादा नहीं, कभी कभी रहता है ना इसमें ना ये तिलफड़ा है ना, इसमें बीच में ये रहता है, दिखा दिखा ना, हाथ निकाल, काला बीज रहता है वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। अच्छा, ये मैंने ना पूरा सुखा के रखा था ना, इसलिए वो निकाल के पूरा अच्छा ड्राई करके सुखा के रखा था। तो अभी थोड़ा कूटेंगे, कूटा तो उसका ना टेस्ट और आता है, स्मेल आया, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, अच्छा स्मेल आता है। अभी इसको थोड़ा धोना पड़ेगा ना।
ये देखो कोट के इसका कलर ही चेंज हो गया। इसका ना थोड़ा धोएंगे पहले, कुट्टा है ना थोड़ा पानी में धोएंगे। अब चल हुआ मेरा रेडी, इसका भी करेंगे स्टार्ट। गैस पे रखेंगे मेरे मिट्टी के बर्तन को, गैस ऑन। पहले मैं इसमें तिलका डालती हूँ, मतलब ऑयल वॉयल कुछ नहीं, तड़का बिड़का का है ना, बॉयल ऑनली। अरे दाखो है, अरे दाखो हंगा दो ग्रीन चिली कट किया था ऐसे टेस्ट वाइज के लिए। ये आमचूर, आमचूर हाँ अभी बोला ना हिंदी आमचूर, आमचूर आमचूर नो कोकम, सॉरी दो कोकम ऐड किया मैंने इसमें। और ये मेरा पेस्ट मसाला ग्राइंड किया था कोकोनट का, ये डालती हूँ मैं पूरा। तो विदाउट ऑयल सीधा वो बॉयल होगा और कुछ नहीं। देखो ये है अपना गोवन, ऑथेंटिक गोवन मैकरेल कड़ी बन रहा है अभी। थोड़ा सा वो ज़्यादा एकदम गाढ़ा होगा ना, इसमें थोड़ा पानी ऐड करते। ओके अभी क्या हुआ, अभी नेक्स्ट क्या है? और कुछ नहीं इसमें, अभी वो बॉयल की, ये बॉयल की बोल रही हूँ मैं, मैकरेल का पीसेस ऐड करना है और बॉयल करने के लिए रखना उसको। हुआ हाँ, ये देखो मसाला ये हुआ ना, उसमें सब तिलफड़ा डाला, ग्रीन चिली एंड कोकम दो डाला। और इसमें अभी मैं छोड़ूंगी ये बांगड़ा, ये देखो मैकरेल कड़ी में अभी जा रहा है मैकरेल कच्चा, सिर्फ उसमें मिर्च डाला है ना, हाँ थोड़ा नमक लगा के रखा था, और डायरेक्ट ऐसे ही कच्चा जा रहा है इसके अंदर। वाह ओके, ये देखो मेरा यहाँ पे करी रेडी है, अच्छा बॉल आ गया है, रेडी है खाने के लिए। ये था आज का मेरा ऑथेंटिक गोवन बांगड़ा करी। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल। और चैनल में अगर नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मन में करता है कर दो, ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पे दिखता रहेगा। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ये रेसिपी को ट्राई करने के लिए, चलो बाय बाय।